हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईशा का जायका। विंटर के सीजन में गर्मा गर्म बटाटा वड़ा खाने को मिल जाए तो उसका मजा ही अलग है। तो आज हम बनाएंगे काठियावाड़ी स्टाइल सुपर टेस्टी बटाटा वड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। काठियावाड़ी स्टाइल बटाटा वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। उसको अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसको एक बॉल में रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, उसमें पानी डाला है और इस तरह का स्टैंड रखेंगे। उसके ऊपर हम आलू रखेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर इसकी 5 विसल लगा लेंगे। इस तरह से आलू बॉईल करने से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। जब तक ये बॉईल हो रहे हैं, हम आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन, पिंच ऑफ हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। अब एक बार मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मीडियम थिक घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, धीरे धीरे डालने से इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमारे बटाटा वड़ा को ऊपर से क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम थिक रखनी है। जब आप नीचे गिराओ तो वो अच्छे से बाकी के बैटर के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि इसको हम 2-3 मिनट के लिए इस तरह से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें एरेशन होगा और इससे हमारे बटाटा वड़ा एकदम फूले फूले बनेंगे। परफेक्ट। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फेंट लिया था, इससे इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है। अब इसे ढककर साइड पर छोड़ देंगे और एकदम चटपटा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक तड़का पैन लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 8-10 साबुत काली मिर्च और 1 टेबलस्पून सफेद तिल। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए, हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। इसको ठंडा कर लेंगे और तब तक आलू चेक कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बॉईल करने से आलू में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और ये अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाएंगे। अब इसके छिलके निकाल लेंगे और अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3-4 तीखी हरी मिर्च और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। अदरक यहाँ पर ज्यादा लेना है, तभी ये टेस्टी बनाएंगे। इसको एक बार क्रश कर लेंगे। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो लहसुन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ अदरक और हरी मिर्च से बना रही हूँ। अब हमने जो मसाले रोस्ट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। अब जाएगा हलवाई का सीक्रेट। इसमें बाहर जैसा टेस्ट डेवलप करने के लिए हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ नींबू का सत। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसके जगह पर 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। अब जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट और वो है 1 टेबलस्पून ड्राई कोकोनट। इसकी जगह पर नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। इसके साथ साथ पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। काठियावाड़ी स्टाइल बटाटा वड़ा थोड़े खट्टे मीठे होते हैं तो इसीलिए 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसको रफली क्रश कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो इसमें अदरक और हरी मिर्च नहीं डालनी है, वो अलग से पेस्ट बना लेनी है। सिर्फ जितने भी ड्राई मसाले हैं वही ग्राइंड करके आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। बटाटा वड़ा की स्पेशल चटनी और वो भी बिना इमली के बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून
काला नमक, पिंच ऑफ हींग, थोड़ा सा रेगुलर नमक डालेंगे। आज हम बिना इमली के बना रहे हैं, तो इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप आमचूर पाउडर यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा कड़वा लगेगा। हो सके तो फ्रेश आमचूर पाउडर यूज़ करना। अब एक बड़ा चम्मच भर के गुड़ ऐड करेंगे और इसके साथ साथ 1/2 कप पानी डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप पानी और ऐड करेंगे और गैस पर गरम होने के लिए रख देंगे। इसको स्लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए गरम करेंगे ताकि गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए। तब तक हम एक स्लरी बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी स्लरी बना लेंगे। हमारी चटनी अच्छे से गरम हो चुकी है, यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लेना है। मुझे यहाँ पर गुड़ कम लगा तो मैं 1 टेबलस्पून और ऐड करूँगी। अब इसमें एक उबाल आ चुका है, अब हम इसमें स्लरी ऐड करेंगे और फटाफट मिक्स कर लेंगे। अगेन 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। परफेक्ट, हमारी इंस्टेंट चटनी तैयार है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे और ऊपर थोड़े से मेलन सीड्स डालेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बटाटा वड़ा बना लेंगे। देखिए, मैंने आलू को मैश कर लिया था। अब हमने जो फ्लेवरफुल मसाला तैयार किया है वो ऐड करेंगे, नियर अबाउट 4 से 5 चम्मच जितना। फ्रेंड्स, इस मसाले में हमने सारे फ्लेवरफुल मसाले ऐड किए हैं, तो ज़्यादा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और आलू के हिस्से का नमक ऐड करेंगे। अब हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और अब जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है 1 टेबलस्पून भिगोया हुआ पोहा। ये पोहा डालने से आलू के हिस्से का जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका स्टफिंग एकदम ड्राई बनेगा। फ्रेंड्स, एक बार ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, इसका रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर लगे आपके स्टफिंग में ज़्यादा मॉइस्चर है तो थोड़े पोहे और भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से अच्छे से बॉल बन रहा है और एकदम ड्राई है। अब साफ हाथों से हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। हमने इसमें ज़रा भी ऑयल यूज़ नहीं किया है, फिर भी एकदम ड्राई बने हैं। तो स्टफिंग के सारे बॉल्स बनकर तैयार है। और हमारा बैटर भी तैयार है, एक बार चेक कर लेंगे। परफेक्ट, ये अच्छे से सेट हो गया है और गैस पर हमने तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून खाने का सोडा और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून गरम तेल। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो बॉल्स बनाए थे वो ऐड करेंगे और इस तरह से बेसन से कोट कर लेंगे और चम्मच की हेल्प से ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर मीडियम हॉट होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो आपके बटाटा वड़ा लाल हो जाएंगे और कम होगा तो वो सारा ऑयल पी लेंगे। तो ऑयल का टेम्परेचर खास ध्यान में रखना है। देखिए, इस तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे और ऊपर की ओर तेल छिड़कते जाएंगे। इतनी क्वांटिटी में से 35 to 36 जितने बटाटा वड़ा तैयार होंगे। सुपर, देखते ही खाने को मन करे, इतने अच्छे बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसको हम एक जारे में निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे बटाटा वड़ा फ्राई कर लेंगे। तो हमारी चटनी भी तैयार है और बटाटा वड़ा भी तैयार है।
तो फटाफट इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए मैं ये सारी रेसिपीज लाती हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भूले बिना लाइक और शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो तैयार है हमारे काठियावाड़ी स्टाइल बटाटा वड़ा और उसके साथ उसके इंस्टेंट चटनी। देखिए, मैं एक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर स्टफिंग से भरपूर है। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी।